आज आपके लिए स्पेशली आई वेंट थ्रू सम ऑफ द बुक्स जो मैंने काफी पहले पढ़ी थी. एंड व्हाइल आई वाज गोइंग थ्रू ऑल दोस अमेजिंग बुक्स आई जस्ट कुडंट रेजिस्ट पिकिंग दिस वन. इसका नाम है सिलासमाना. नाउ इफ यू आस्क मी व्हाई दिस बुक, आई कैन से दैट दिस स्टोरी इज प्रीटी क्लोज टू माय हार्ट. एंड शायद इस बुक को पढ़ने के बाद आपको भी यही लगेगा. बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू, इस बुक को लिखा है एक फेमस ऑथर जॉर्ज इलियट ने. जॉर्ज इलियट यूके की एक जानी मानी राइटर थी जिन्होंने कई सारी पोएम्स और नॉवेल्स लिखी हैं. बट हियर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, असल में जॉर्ज इलियट का नाम मैरी एन एवंस था एंड शी वॉज अ वुमन. बट उन्होंने अपनी सारी किताबें एक मेल पेन नेम दैट इज जॉर्ज इलियट के नाम से लिखी थी. अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों. And the reason is कि 1800s में यानी जब ये book publish हुई थी तब readers female writers को ज्यादा अहमियत नहीं देते थे जिसकी वजह से उनकी कहानियां ज्यादा लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थी. So Mary Ann ने इसका एक solution निकाला. She used a male pen name. Intelligent, right? Thinking that it might reach more people and do justice to her stories. And guess what? कुछ ऐसा ही हुआ. Her book सिलासमाना won millions of hearts across the world. And in 1985 इस कहानी पर एक मूवी तक बनी जिसका नाम सिलासमाना ही रखा गया. आई नो अब आप सोच रहे होंगे कि किताबें कौन पढ़ेगा जब सीधा मूवी ही देख सकते हैं. बट बिलीव मी, चाहे वो कोई भी किताब हो जिस पर मूवी बनी हो, बुक्स पढ़ने में जो मजा आता है ना, और बुक्स में उस कहानी की जितनी डिटेल्स होती है ना, वो मूवी में हो ही नहीं सकती. एंड दैट्स वाई CBSE, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, भी इस बुक को स्टूडेंट्स के लिए रेकमेंड करती है, व्हिच अगेन सेज कि इस कहानी में कोई तो बात जरूर है. सो नाउ मूविंग ऑन टू द बुक इटसेल्फ, सिलासमाना टेल्स अस द स्टोरी ऑफ अ मैन हु गोज थ्रू मेनी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, जिस वजह से उसकी फिलॉसफीज, बिलीव्स और लाइफ लेसन्स सब बदल जाते हैं. ये कहानी है सिलासमाना की, जो इस कहानी में मेन कैरेक्टर है. ऑल्दो ये कहानी एक फिक्शनल वे में हमें सिलासमाना की लाइफ के बारे में बताती है, रियल लाइफ में कभी ना कभी हम सबके साथ ऐसे फेजेस जरूर आए होंगे. एंड दैट्स वाई ये किताब रियलिस्टिक फिक्शन के योनर में आती है, विच मींस इसमें इमेजिनेशन के साथ साथ रियल लाइफ सिनेरियोस भी हैं. मैरी एन इस किताब में बहुत ब्यूटिफुली सिलास की थिंकिंग, कैरेक्टर और एटीट्यूड को पोर्ट्रे करती है, जो सोसाइटी के दूसरों लोगों को वियर्ड और अननेचुरल लगता है. ये किताब उस समय की कहानी कहती है जब लोग काफी सुपरस्टिशियस हुआ करते थे. उनके लिए कोई भी इंसान अगर कुछ डिफरेंट करता हो या फिर कहीं दूर से आया हो और उसके माँ बाप के बारे में यू नो कोई इंफॉर्मेशन ना हो, तो लोग ऐसे लोगों को मिस्टीरियस मानते थे और उससे दूर ही रहना पसंद करते थे. कुछ ऐसी ही पर्सनैलिटी सिलास की भी थी, जो एक वीवर था और हमेशा अपने काम से काम रखता था. सिलास का बस एक ही एम था, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना और उन्हें अपने कॉटेज के फ्लोर के नीचे जमा करना. पर सिलास हमेशा से ऐसा नहीं था. एक वक्त पर वो काफी लाइवली होता था जब उसे उसके गांव के लोग बहुत चाहते थे. सिलास हमेशा भगवान यानी जीसस क्राइस्ट पर भरोसा करता था. पर एक बार जब सिलास के बेस्ट फ्रेंड ने उसे धोखा देते हुए एक मर्डर और रॉबरी के केस में फंसा दिया और चर्च के मेंबर्स ने भी यही मानते हुए सिलास को गिल्टी करार दिया, तब सिलास बहुत डिप्रेस्ड हो गया. उसे लगा शायद जीसस किसी मिरेकल से उसकी मदद करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं. एज अ रिजल्ट सिलास की सारी उम्मीदें और भरोसा टूट गया. सिलास लेफ्ट एवरीथिंग एंड वेंट टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ इन रेवेलो. विद दिस ब्रोकन फेथ इन गॉड एंड ह्यूमंस, ही जस्ट फोकस्ड ऑन अर्निंग एज मच मनी एज पॉसिबल. 15 साल तक सिलास ने काफी पैसे कमाए और उसे जमा करता रहा. पर एक रात जब सिलास घर पर नहीं था, तब किसी ने उसके पैसे चोरी कर लिए. This again left Silas broken and shattered. अब यहां सिलास को दूसरी ठोकर लगती है, क्योंकि जब उसने पैसे कमाना ही अपना मेन एम बना लिया था, वैसे में सारे पैसे चोरी हो जाने पर वो काफी दुखी हो जाता है. एक रात सिलास इसी सोच में सो गया और जब वो सुबह उठा तो उसे अपने फ्लोर पर कुछ गोल्ड कलर का नजर आया. सिलास को लगा कि शायद उसके गोल्ड कॉइन्स उसे वापस मिल गए. बट व्हेन ही सॉ इट फ्रॉम क्लोज, ही फाउंड दोज वर ब्राउन हेयर्स ऑफ अ लिटिल गर्ल which was shining because of the light coming from the fireplace. हालांकि सिलास पहले खोई हुई बच्ची को देखकर worried तो हुआ,
But this was the point in the story from where Silas' life took an unexpected turn. जब सिलास को उस बच्ची के माता पिता के बारे में कुछ भी पता नहीं चला तो उसने खुद उसे एडॉप्ट कर लिया। उसने उस बच्ची का नाम इपी रखा और उसे खूब प्यार दिया। जहां लोग सिलास को मिस्टीरियस अपीयरेंस और फिट्स की वजह से उसे एलियन जैसा ट्रीट करते थे, अब एपी की वजह से वो सिलास को रिस्पेक्ट करने लगे। स्पेशली वुमेन, हु न्यू हाउ बिग द टास्क इज टू रेज अ चाइल्ड। धीरे धीरे सिलास अपनी जिंदगी के नमनेस से बाहर आकर खुश होने लगा। उसके ब्रोकन फेथ्स और बिलीव्स वापस आने लगे थे। अब इस कहानी में और भी कई किरदार हैं जो सिलास की जिंदगी के सफर का हिस्सा बनते हैं, उसकी जिंदगी में कठिनाइयां लाते हैं, पर अब एपी के होने की वजह से सिलास इतना खुश था कि उसे कोई और बात इतनी इफेक्ट ही नहीं करती थी। पर 15 साल बाद एपी के असली मां बाप सामने आते हैं और एपी को अपने साथ ले जाने को कहते हैं। एपी के मां बाप बहुत अमीर होते हैं, उनका बंगलो होता है, घोड़े होते हैं और उनके पास वो सब होता है जिसके आस एक इंसान को अपनी जिंदगी में होती है। और दूसरी तरफ सिलास एक छोटे से कॉटेज में रहता है। सो क्या एपी सिलास को छोड़कर अपने असली मां बाप के साथ चली जाती है और सिलास फिर से डिसहार्टेंड हो जाता है, या फिर एपी सिलास को ही अपना पिता मानकर उसके साथ रहती है? इन सवालों के आंसर्स के लिए आपको ये किताब पढ़नी होगी। एंड वंस यू रीड इट, आपको इसमें और भी कई सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स और प्लॉट्स नजर आएंगे जो कि पूरी कहानी में सिलास के साथ साथ चलते हैं। So, मैं तो यही कहूंगा कि सिलास मानर बाय जॉर्ज एलियट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट आई हैव एवर रेड, क्योंकि इसकी कहानी बहुत ही रियलिस्टिक है और हार्ट टचिंग भी, जिससे हर कोई रिलेट कर सकता है। ऑल इन ऑल सीबीएसई की तरह मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इस किताब को आप जरूर पढ़ें। आपको इसे पढ़ने में मजा तो आएगा ही, साथ ही साथ किताब की पोएट्रिक लैंग्वेज आपकी वोकैबुलरी को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगी। और हाँ, इस किताब की लैंग्वेज आपको कहीं कहीं डिफिकल्ट लग सकती है बिकॉज ये किताब वन ऑफ द क्लासिक्स में गिनी जाती है, बट एट द सेम टाइम आपको ट्रू इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जानने का मौका मिलेगा। So, जब भी आप कोई भी वर्ड या फ्रेज समझ नहीं पा रहे, यू कैन ऑलवेज आस्क योर इंग्लिश टीचर। सो फ्रेंड्स, ये था सिलास मानर बुक का एक छोटा सा ओवरव्यू एंड रिव्यू। तो आपको क्या लगता है, क्या एपी अपने असली मां बाप के साथ एक लग्जूरियस लाइफ जीने चली जाएगी या सिलास मानर के अनकंडीशनल प्यार को समझकर उसी के साथ रहेगी? आपके ओपिनियंस मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस कहानी को पूरी तरह जानने के लिए लेट्स गेट रीडिंग सिलास मानर। जब तक आप इस किताब को पढ़ना खत्म करेंगे तब तक मैं आपके लिए एक नई किताब लेकर आता हूं। सो स्टे ट्यून्ड टू लेट्स गेट रीडिंग एंड सब्सक्राइब टू माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल सो दैट आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें।